आज हम पवित्र पावन गंगा नदी के किनारे बद्रीनाथ के योगानंद स्वामी जी के साथ मुलाकात करेंगे, जिन्होंने हिंदू संस्कृति की योग साधना को विश्व भर में प्रचारित एवं प्रसारित किया है। इसके साथ साथ ईश्वर को पाने की, उसे समझने की और जिनके पास अकल्पनीय शक्ति है, ऐसे दिव्य महापुरुष एवं योगी से हम कुछ ऐसे प्रश्नों को जानने का प्रयास करेंगे जिन्हें सामान्य व्यक्ति पाकर ईश्वर प्राप्ति की ओर अपना एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपका आप बताइए कि आप बचपन से ही आध्यात्मिकता की तरफ कैसे झुके? आध्यात्मिक की ओर आदमी स्वयं नहीं झुकता, बल्कि कोई ईश्वरीय शक्ति उस ओर मार्ग देती है। मेरे बाल्यावस्था में ही बचपन के समय माँ आराध्य देवी के आशीर्वाद से, जो कि कुरुण नंदा राज जात का स्थान है, उनकी कृपा से मेरा जन्म हुआ। माता के आशीर्वाद से ही मैं पला बड़ा। मेरे पिता मैस्वेट तो थे, उन्होंने मुझे विभिन्न विद्यालयों में अध्ययन के लिए भेजा और उसके बाद मैंने विभिन्न धर्मों का, विभिन्न तरीकों से आध्यात्म का ज्ञान पाया। चेतना शक्ति को कैसे जाना जा सकता है? चेतना शक्तियों में बहुत सी शक्तियों का योगदान होता है, जिसमें कई अदृश्य शक्तियाँ भी आपके साथ होती हैं, जो आपके पूर्व जन्म और इस जन्म के संकलित कर्मों के कारण आपकी चेतना को उस मार्ग पर ले जाती है। मृत्यु के समय क्या छूटता है और हमारे साथ क्या जाता है? योग में देह की दो स्थितियाँ होती हैं, एक सांसारिक स्थिति जिसमें हमारी फिजिकल बॉडी होती है और दूसरी मानसिक स्थिति। मानसिक स्थिति में हमारी आत्मा परमात्मा से आती है और जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो इस संसार की देह यहीं त्याग कर आत्मा परम धाम को जाती है। पर काया प्रवेश क्या यह संभव है? लेकिन क्रिया योग के द्वारा आप पर काया प्रवेश ही नहीं, बल्कि आप की विजनिंग क्लियर हो जाती है। आप कई देशों में एक स्थान पर बैठ के जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जो सात आसमान कहे जाते हैं, उनमें आप विचरण कर सकते हैं। सारे ब्रह्मांड में आप जा सकते हैं और हर प्रकार की शक्तियों का आप आभास कर सकते हैं। तो विश्व में भारत की संस्कृति को आप क्या समझते हैं? योग और क्या योग जो भारत की देन है, उसकी ओर उनका ध्यान अग्रसर होता जा रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी विद्या है, ये एक ऐसा संबंध है जिसमें हम परमात्मा में विलीन होते हैं। परमात्मा में जब हम विलीन होते हैं तो उसकी शक्तियाँ हमें आती हैं। परमात्मा स्वस्थ है, हम स्वस्थ होंगे। इस आधार पर हम योग को आगे भी बढ़ा सकते हैं, ज्ञान के मार्ग से भी योग आगे बढ़ता है। भारत में मोक्ष और मुक्ति प्राप्ति को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है, ऐसा क्यों? मोक्ष के लिए आध्यात्म का मार्ग होना बहुत जरूरी है। जब तक आप आध्यात्म के मार्ग पर नहीं पहुँचे, तब तक आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। आध्यात्म भी वो मार्ग जिसमें आपको परमेश्वर से मिक्स नहीं होना है, मिक्स मोक्ष नहीं कहलाता। फ्यूजन में भी मोक्ष नहीं कहा जा सकता, यूनिफिकेशन भी मोक्ष नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अलग की जा सकती हैं। डिजोल्यूशन ही मुख्य मोक्ष है। जब हम उसमें डिजॉल्व हो जाएंगे, हमारे गुण धर्म कर्म सारे उसमें घुल जाएंगे और वो हम में व्याप्त हो जाएगा, मेरा मैं समाप्त हो जाऊंगा और उसका तू ही तू रह जाएगा, कभी मोक्ष। सन्यासी धर्म को अपनाना जरूरी है या गृहस्थ आश्रम में भी रह के भी हम आध्यात्मिकता की तरफ झुक सकते हैं? गीता में ये स्पष्ट किया जा चुका है, भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि गृहस्थ में भी
आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि आप गृहस्थ में रहते हुए अपने सारे कर्मों को ईश्वर को अर्पित करते हुए अपने उत्तरदायित्व का पूर्ण निर्वहन करते हैं तो आपको वो भी मोक्ष की मार्ग हो गया। और इसके लिए वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था की गई है और स्मृतियों में इन चीज़ों को स्पष्ट किया गया है। जो ईश्वर को नहीं मानता, जो नास्तिक है, उसे हम आस्तिकता की तरफ कैसे मोड़ सकते हैं? मेरे विचार में आज तक मैंने पाया कि नास्तिक ही सबसे बड़ा आस्तिक है। अच्छा। क्योंकि उसका ये विश्वास है कुछ कुछ नहीं है, जो सामने है वही सब कुछ है। वो न पाप पुण्य के फलों के बीच में पड़ा, और इन फलों के बीच में अगर वो नहीं पड़ा, उसके विचार इस पे नहीं गए, तो वो एक शक्ति को मानता है। जबकि आस्तिक व्यक्ति कई देवताओं में बहुत देववाद और बहुत मार्गों पर, विभिन्न धर्मों के मार्गों पर चलता रहता है और उसका आश्रय लेता है। लेकिन आस्तिक नास्तिक केवल एक ही विचारधारा पर चलता है और वो अपने में आस्तिक है। तो नास्तिक नहीं बल्कि अपने में आस्तिक। सच्चिदानंद की अनुभूति किसको होती है, और आनंद की अनुभूति ही क्या ईश्वर अनुभूति है? आनंद विश्व की और सांसारिक स्थिति में भी आनंद होता है, और आनंद और परमानंद ये दोनों अलग अलग स्थितियाँ हैं। परम आनंद जिसको ब्लिस कहते हैं, वो सच्चिदानंद में मिलन पर ही आपको प्राप्त होगा। ये दुनियावी आनंद जब हम देह त्यागेंगे तो दुनिया के साथ ही समाप्त हो जाएंगे, लेकिन असली आनंद ईश्वर का हमें जगा होना चाहिए और हमें उस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। क्रिया योग का सीखने का सबसे सरल मार्ग कौन सा? सबसे सरल मार्ग क्रिया योग में प्रवेश के लिए भक्ति मार्ग, दूसरा मार्ग मंत्र मार्ग है। लेकिन क्रिया योग में ये आवश्यक है कि आप अपने देह पर पूरा नियंत्रण रखेंगे और क्रियाओं को करें। कॉन्सेंट्रेशन कंसंट्रेशन ही जरूरी नहीं है, बल्कि देह को पूर्ण नियंत्रण में होना जरूरी है। उसमें आपके विचार भी आएंगे और शरीर भी आएगा, दोनों चीज़ें क्रिया योग में कार्य करती हैं। हम जैसे साधारण व्यक्ति को क्या संदेश? हम अपने अंदर की उस शक्ति को नहीं जानते हैं, अगर वो शक्ति जग गई तो सब असाधारण है। आप देख सकते हैं कि वाल्मीकि क्या थे, और जब वो शक्ति उनकी जगी तो वो क्या हो गए, तुलसीदास क्या थे, वो शक्ति जागृत हुई तो क्या हो गए, सूरदास कैसे थे और उस शक्ति के कारण कहाँ पहुँचे। ये केवल हमें अपने को पहचानना है और उस परम शक्ति को जागृत करना है। वो शक्तियाँ जागृत होगी तो स्वयं ही आपका मार्ग खुल जाएगा। तो दर्शकों, आज हमने स्वामी योगानंद जी से कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जिन्हें पाकर हम ईश्वर प्राप्ति की ओर अपना एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं।